बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए। अब प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑर्डर और मूवमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास म्यू टू क्या होता है, सेकंड मूवमेंट क्या होता है, फोर्थ मूवमेंट क्या होता है। जी, आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हो ये तमाम प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, बीटा टू किसके इक्वल होता है, बीटा वन किसके इक्वल होता है, और ये किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल करवाऊंगी कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो, इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। हम कहते हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, मैं आपको वो करवाने लगी हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब वो आपको क्या कहते हैं कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस वन। इट्स मीन मीन आपके पास म्यू जो है वो 20 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास सिग्मा है वो 5 है। फाइंड आपने क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है एंड क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, आपने अगर प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से तैयार की हैं तो आपको पता है कि जो मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, जिसका मैंने आपको कहा था कि मैंने प्रूफ भी करवा दिया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो BSE की प्लेलिस्ट में, वो प्रूफ आपको मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। क्योंकि FSE के कोर्स में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि जो मीन डेविएशन है वो इक्वल होता है 0.7979 सिग्मा के। अब क्योंकि सिग्मा आपको गिवन है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 5 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन की भी वैल्यू आपको फिक्स गिवन है, और यहाँ भी आप देखो कि आपको सिर्फ सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है, आप सिग्मा की वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन भी आ जाएगा, तो ये एग्जांपल आपके पास सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास एग्जांपल आ जाती है सेकंड एग्जांपल, अब सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास क्या है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आपको ये पता चले कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने मायने रखनी हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, उनका कॉन्सेप्ट हमें कितना ज़्यादा क्लियर रखना चाहिए, हमारे पास कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो आ जाती है वो है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 4। अब देखो उन्होंने दे दिया है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो सिग्मा आपके पास है वो 4 है, एंड फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अब स्टूडेंट आपने मूवमेंट्स पढ़े, आपने यहाँ ये जो 12 प्रॉपर्टी थी इसमें आपने पढ़ा था कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं अबाउट द मीन आर 0, कि जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं मीन के वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। अब हमने कितने मूवमेंट्स फाइंड करने हैं, हमने म्यू 1 फाइंड करना है, म्यू 2 फाइंड करना है, म्यू 3 फाइंड करना है, म्यू 4 फाइंड करना है। अब इसमें ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स क्या हैं, म्यू 1 एंड म्यू 3 हैं जो ऑड ऑर्डर हैं, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए। तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मूवमेंट है वो भी 0 के इक्वल है, एंड जो थर्ड मूवमेंट है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल है, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं द सेकेंड एंड द फोर्थ मूवमेंट जो हमारे पास गिवन था प्रॉपर्टी में, वो कहते हैं द सेकेंड एंड फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट द मीन आपके पास म्यू 2 जो गिवन था वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल गिवन था, एंड जो फोर्थ मूवमेंट था वो आपके पास था, इसको हम म्यू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये 3 सिग्मा की पावर 4 भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट आपको फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसी एग्जांपल आ जाती हैं कि उसमें आपको सिग्मा नहीं गिवन होता बल्कि म्यू गिवन होता है, तो आप फोर्थ मूवमेंट्स फाइंड करने का कह रहे हैं तो आपने म्यू की फिर वैल्यू पुट करनी है। इस वजह से ये आपको दोनों पता होने चाहिए कि ये किसके इक्वल होते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा गिवन है तो हम 3 सिग्मा 4 लेते हैं। अब आपने सिंपल देखें, आपके पास म्यू 2 इसके इक्वल होते हैं, म्यू 4 इसके इक्वल होते हैं, आप सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, म्यू 2 है, सिग्मा हमारे पास क्या था 4 था, 4 का होल स्क्वायर लो तो आपके पास म्यू 2 जो है जो सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 60। इसी तरह फोर्थ मूवमेंट जो है वहाँ भी आपने क्या करना है कि सिग्मा की जगह जो है आपने 4 पुट कर देना है, इसकी पावर ले लेनी है, सॉल्व करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। इस वजह से आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से माइंड में रखना है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपके पास आ जाती है कि हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और ये चीज़ आपको गिवन हो, कहते हैं इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करना है एंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता है कि जो आपके पास वैल्यू जो फार्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपके पास गिवन होता है ये, जिसमें आपको म्यू एंड सिग्मा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर की सूरत में लाऊँ तो ये मेरे पास किस तरह बन जाती है। देखिए हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास जो होती है
माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है और हमने क्या क्या करना है। यहाँ हमारे पास एक्स जो है वो ए है, माइनस टू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा सिक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर। जब आप इसको करते हो सॉल्व तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स। हमने इस इक्वेशन को अगर कंबाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हो इनमें से कॉमन, इसको एक्स स्क्वायर वाले में से कॉमन ले सकते हो, और ऐसे हमने इस सिचुएशन बनानी है कि यह आपके पास इक्वल आ जाए। अब ये सिचुएशन आप कैसे बना सकते हो, हमें कैसे पता चला स्टूडेंट, या आप देखो कि यहाँ आपके पास जो वैल्यू थी ना, आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड माइनस सिक्स एक्स, तो वो भी इसी के ही इक्वल होता है। अब आप एक्स इधर से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा, यहाँ से माइनस सिक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा, तो जो आपके पास बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस सिक्स, आपके पास जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी वो आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस सिक्स आपके पास बन जाएगा। तो आप इनका क्या ले लोगे, होल स्क्वायर आपके पास। अब ये देखें यहाँ भी आपके पास यही है कि आपको मीन भी पता है कि आपके पास क्या है, सिग्मा भी आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास अगर मीन आपके पास एक्स माइनस म्यू होता है ना, तो म्यू हमारे पास क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, म्यू आपको पता चल गया। अब हमारे पास नीचे जो वैल्यू होती है वो टू सिग्मा स्क्वायर होती है। अब यहाँ हमारे पास टू एंड फोर का स्क्वायर लोगे तो सिक्सटीन, सिक्सटीन को टू से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी टू आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपको यहाँ से पता चल गया कि आपके पास जो सिग्मा है वो भी वैल्यू आपके पास क्या है, फोर आपके पास वैल्यू है, आपने पुट कर दी इसमें, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है अवेलेबल। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, इक्वेशन वन एंड टू को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। कंपेयर करने से के और ये देखें बाकी चीज़ें आपके पास सेम है, एंड ये आपके पास आ जाएगा फोर, तो आपके पास म्यू भी आ जाएगा, सिग्मा भी आपको पता चलेगा और के की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ स्टूडेंट। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि बीटा वन क्या है, बीटा टू क्या है। अब हम कहते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन इज़ हमारे पास गिवन है, एंड द थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन आपने फाइंड करने हैं बीटा वन एंड बीटा टू। अब बीटा वन एंड बीटा टू हमारे पास क्या है, देखिए ऑड ऑर्डर मोमेंट जो हमारे पास होते हैं वो इज इक्वल्स टू होते हैं किसके, ज़ीरो के। एंड जो फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ हैं, क्योंकि थर्ड ऑड ऑर्डर मोमेंट था वो तो जीरो के इक्वल, वो फोर्थ मोमेंट्स अभी आपको मैंने बताया फिक्स वैल्यूज होती है, इसमें आपने सिर्फ सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होगा। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है बीटा वन एंड बीटा टू। बीटा वन आपके पास स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस को बता रहा होता है कि आपके डेटा में स्क्यूनेस क्या है और कॉर्टोसिस क्या है। अब ऑलरेडी अगर आपको मीन गिवन है, ठीक है, आपने मीन आपको गिवन है तो आप उसकी वैल्यूज़ पुट करो। आप देखें आपके पास म्यू फोर भी गिवन है, यहाँ से म्यू थ्री भी हमने फाइंड किया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो, और यहाँ भी सेम सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। जहाँ ज़ीरो क्योंकि आ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू म्यू थ्री है तो म्यू थ्री ज़ीरो के इक्वल होते हैं, तो ज़ीरो आप किसी से भी डिवाइड कर लो वो आपके पास फुल वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह आप क्या करोगे कि बीटा वन एंड बीटा टू की जो वैल्यू हैं उनको मालूम कर लोगे। ये स्टूडेंट एग्जांपल थी जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, और मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों इन एग्जांपल से। आई होप आपको इन एग्जांपल्स की समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन इन एग्जांपल्स में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इन एग्जांपल्स को समझने के लिए आपने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को तैयार करने, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता हैं, ज़ुबानी याद हैं, अच्छे तरीके से आती हैं, आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास फिक्स फार्मूलाज हैं जो आपने पुट करने और वैल्यूज फिर उनमें पुट करके आपने आंसर कंक्लूड करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।